क्वेश्चन नंबर 32, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन अ 2 मार्क्स कैटेगरी. इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 और 5, प्लीज अंडरस्टैंड इन चीजों को समझा करो. कहता अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाट आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाउ वी रिप्रेजेंटेड? अल्फा एंड नहीं बेटा, वो फैक्टर्स होते हैं एक्स माइनस अल्फा. अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये सुनो, कहते हैं अगर उनका अरिथमेटिक मीन 8 है और ज्योमेट्रिक मीन 5 है, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है जी, अब ध्यान से समझना. इस क्वेश्चन में अगर मैं कहूं कि लेट, दिस इज 32nd, लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है? तो पहले क्वेश्चन सॉल्व, मन में सोचो, उन्होंने बोला ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लास 10th का क्वेश्चन क्या होता था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अच्छा, जैसे उसने वर्ड इक्वेशन बोला है तो यहां इक्वल टू जीरो आएगा. अगर बोलता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो यहां इक्वल टू जीरो नहीं आता, बल्कि मल्टीप्लाई बाय के हो जाता. आई होप यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है जी, अब उसने बोला एम ऑफ अल्फा एंड बीटा, अरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा इज 8. इसका मतलब क्या करें? अरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा अगर 8 है, इसका मतलब क्या? सॉरी मैडम, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज 8. तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ? 16. ठीक है बच्चा. दूसरी चीज, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा कितना लिया होगा? 5. यस, तो इसका मतलब क्या है एंजल? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा रूट अल्फा बीटा इज 5. इसका मतलब अल्फा बीटा कितना है? 25. अग्री करके सब लोग, तो दोनों वैल्यूज इधर पुट कर दो. सो माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल्स टू जीरो. दैट्स माय आंसर. करिए नोट.